नमस्कार, मैं सोनिया सिंह और स्वागत है बीट द कंपटीशन पे। हर बार की तरह से आज भी आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम यहाँ पर जनरल अवेयरनेस के टॉप क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और आप सबको ध्यान में होगा कि इससे पहले भी मैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुकी हूँ। तो आज के सेट में हम टोटल 100 क्वेश्चंस को कवर करेंगे, यानी 100 सवालों का हमारा ये जो सेट है वो कम्प्लीट हो जाएगा। इसके साथ साथ इस जीएस की क्लास में आपके लिए खास ये भी रहेगा कि यहाँ पर आज के सेशन में जो भी क्वेश्चंस हम करने वाले हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपने बहुत बार पेपर में जो है रिपीट होते हुए देखेंगे, इसलिए बहुत ध्यान से आज के लेक्चर को देखिएगा। और वैसे भी हर बार की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे आखिर में आपको देखने को मिलेगा। पीडीएफ कहाँ से मिलेगी? बीट द कॉम्पिटिशन का टेलीग्राम चैनल यहाँ पर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां से जाकर के डायरेक्टली भी आप पीडीएफ को यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। और अपनी बेहतर सुविधा के लिए आप वीडियो को 1.5x पे करके देखेंगे तो बेहतर होगा। शुरू करते हैं वीडियो को, देखते हैं पहला सवाल। पहले मैं वो सवाल आपसे डिस्कस करूंगी जो कि मैंने आपसे पिछली बार पूछा था क्वेश्चन ऑफ द डे में, जिसका जवाब बहुत सारे बच्चे नहीं दे पाए थे। और साथ में बिल्कुल यहाँ पर अप्रिसिएशन उन सारे के सारे बच्चों के लिए है जिन्होंने कोशिश की थी जवाब देने की। क्वेश्चन ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे क्वेश्चन को लेकर के जो है जुड़ा हुआ आपका डायोपेट्रे से, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ठीक है। और साथ में चीज मैं और आपको बता दूं कि जितने भी क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो सारे के सारे क्वेश्चंस का एक डिटेल एक्सप्लेनेशन भी साथ में आपको देखने को मिलेगा। तो हो सकता है कि वीडियो में समय आपका जाए, लेकिन यकीन मानिए इस वीडियो में जितना भी समय आपका जाएगा ये क्वालिटी टाइम है, जहां पर आप एक सवाल के साथ साथ बहुत सारे सवालों को बनता हुआ देखेंगे। अब निर्भर आपके ऊपर करता है कि किस प्रकार से आप सवालों को बेहतर बनता हुआ देख पा रहे हैं और बना पा रहे हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 से हमने छोड़ा था, और क्वेश्चन नंबर 66 पूछा गया था कि जो डायपेट्रे है वो एसोसिएट करता है किसके साथ। तो ये यूरोलॉजी के साथ है, ऑप्थमोलॉजी के साथ है, ठीक है, ऑन्कोलॉजी के साथ है, न्यूरोलॉजी के साथ है। तो बिल्कुल ये जो राइट ऑप्शन है इसका बी है, जो है यहाँ पर ऑप्थेमोलॉजी यानी नेत्र विज्ञान के साथ जुड़ा हुआ है, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर। तो मैं बता दूं कि जो डायपेट्रे है या डायोपेटर है ये बिल्कुल एसोसिएट करता है यहाँ पर नेत्र विज्ञान यानी ऑप्थेमोलॉजी के साथ। और यहाँ पर जो डायपेट्रे है वो है क्या, ये आपको जानना जरूरी है। एक ऐसा यूनिट है जो कि मेजरमेंट करता है यहाँ पर ऑप्टिकल पावर को, यानी जो लेंसेज होते हैं हमारे, कर्व्ड मिरर्स जो होते हैं, जो कनकेव और कन्वेक्स के डिफरेंशिएशन को यहाँ पर बताते हैं। और साथ में आप ये भी काफी हद तक ध्यान में रख पाएंगे कि जो टर्म है डायपेट्रे वो काफी हद तक जो है फ्रेंच से लिया गया है, इसलिए मैं इसको सही तरीके से डायपेट्रे भी प्रोनाउंस करते हैं, डायोपेट्रे भी इसको प्रोनाउंस किया जाता है। तो इसको जो है फ्रेंच ऑप्थमोलॉजिस्ट जो है यहाँ पर फर्डिनेंड मोनेयोर, या पे देख पा रहे होंगे आप मोनेयोर, इन 1872 में, इन्होंने 1872 में इसको ये नाम दिया था। मेरे पीछे आप कनकेव और कन्वेक्स मिरर का, यहाँ पर कन्वेक्स मिरर जिसे हम पॉजिटिव लेंस के नाम से भी जानते हैं और नेगेटिव लेंस को हम यहाँ पर कनकेव मिरर के नाम से जानते हैं, तो ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 68 क्वेश्चन कह रहा है कि जो यहाँ पर सिटलस लेंटनस है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे लेनाटस, माफ कीजिएगा, ठीक है, सिटलस लेनाटस आपसे पूछा गया है कि इसका जो बोटानिकल नेम है वो क्या है। तो क्या नाम है इसका जो आप देख पा रहे हैं लेनाटस की, हम यहाँ पर बात करें तो लेनाटस को का जो बोटानिकल नेम है वो क्या एप्पल है, लेनाटस को क्या बनाना के नाम से जाना जाता है, या लेनाटस को यहाँ पर वाटरमेलन के नाम से जाना जाता है, या ऑरेंज के नाम से जाना जाता है। तो जो यहाँ पर आपका सिटलस लेनाटस है उसको हम जानते हैं वाटरमेलन के नाम से, यानी जिसको हम यहाँ पर तरबूज कहते हैं। तो आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, बहुत सारे आपने भी देखे होंगे, हालांकि हिंदुस्तान में येलो और व्हाइट जो यहाँ पर तरबूज होता है वो काफी कम पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर ऑरेंज और रेड, जिसको कि आप देख पा रहे हैं रेड फ्लेश्ड और ऑरेंज फ्लेश्ड, ये काफी आसानी से यहाँ पर उपलब्ध हो पाते हैं, तो जिसको हम जानते हैं यहाँ पर सिटलस लेनाटस के नाम से, ठीक है। इसका ये जो बोटानिकल नेम है ये आप ध्यान में रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 69 इल्बर्ट बिल से पूछा गया है, जो कि हिस्ट्री का क्वेश्चन है आपका, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। कह रहे हैं कि जो इल्बर्ट बिल है वो 1883 में प्रस्तावित किया गया था, ये एक विवादास्पद कदम था, ठीक है। और 1883 में किसके द्वारा प्रपोज किया गया था, लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा, लॉर्ड रिपन के द्वारा,
डलहौजी के द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। इसके आंसर की भी हम बात करेंगे, लेकिन ध्यान में रखिएगा कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जुड़ा गया सवाल बहुत बार आपसे पूछा जाता है, जो जुड़ा हुआ है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के साथ, ठीक है। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था मैं बता दूं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का मतलब ये था कि अगर आपका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो किसी राजा का यदि उत्तराधिकारी नहीं होता था, तो उसका जो राजपाट होता था वो ब्रिटिशर्स द्वारा छीन लिया जाता था। उदाहरण के तौर पर झांसी, नागपुर, उदयपुर, संभलपुर, कानपुर, ये सारे के सारे स्टेट्स को आप ध्यान में रख सकते हैं। 1857 की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, जिसका कि क्रांति का एक सबसे बड़ा कारण भी यहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स माना जाता है, जिसको लागू किया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। ध्यान रखिएगा, मैंने ये नहीं कहा कि बनाया था, लॉर्ड डलहौजी ने सिर्फ उसे लागू किया था। हेस्टिंग को हमेशा यहाँ पर फर्स्ट गवर्नर जनरल के रूप में काउंट किया जाता है। कर्जन की अगर बात की जाती है, तो लॉर्ड कर्जन, जो कि काफी हद तक हिंदुस्तानियों के प्रति बहुत ज्यादा सहानुभूति या सिंपथी का भाव नहीं रखते थे, से नाम से काफी हद तक फेमस किए जाते हैं। तो आप मान सकते हैं कि एल्बर्ट विल की जो मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, बिल्कुल रिपन से जुड़ा हुआ ये सवाल है, जो कि लॉर्ड रिपन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। 83 से 84 के बीच में, 83 से 84 के बीच में यहाँ पर लागू किया था, अभी है क्या देख लेते हैं। इल्बर्ट विल जो है, अकॉर्डिंग टू द सिस्टम ऑफ लॉ, कानून के हिसाब से यूरोपियन कुड बी ट्राइड ओनली बी यूरोपियन जज और यूरोपियन मजिस्ट्रेट, ठीक है। यानी कानून के हिसाब से केवल यूरोपियन जितने भी हमारे जजेस हैं और जितने भी मजिस्ट्रेट हैं, केवल उन्हीं के फैसलों को यहाँ पर बेहतर माना जाएगा। और ये कह रहे हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन वॉज अनजस्ट कर दिया जाएगा, कास्ट नीडलेस, डिस्क्रेडिटेड एंड डिसऑनर्ड अपॉन द इंडियन बॉर्न मेंबर्स ऑफ द जुडिशरी। जाहिर सी बात है कि जो भी फैसले सुनाए जाएंगे, उसमें किसी भी प्रकार का भारतीय मेंबर नहीं रखा जाएगा, जिसको ध्यान में रखकर के सीपी इल्बर्ट ने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था ये बिल 1883 में, ठीक है। टू अबॉलिश द डिस्क्रिमिनेशन इन जुडिशरी, किसके लिए, ताकि जो यहाँ पर भेदभाव जुडिशरी के अंदर किया जा रहा है, जिसके ऊपर हमने अभी भी चर्चा की है, उसको पूर्ण तरीके से समाप्त किया जा सके। यूरोपियन अपोज द बिल स्ट्रांगली, यूरोपियंस ने इसको बुरी तरीके से, इल्बर्ट का जो भी प्रपोजल था उसको बहुत बुरी तरीके से जो है स्ट्रांगली उसका विरोध किया, अपोज किया। और उसके बाद इन्होंने कम से कम यहाँ पर 1,50,000 रुपए का यहाँ पर एक फंड रिलीज किया, ताकि डिफेंस एसोसिएशन को यहाँ पर बनाया जा सके। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, बस इतना याद रखें कि इल्बर्ट बिल, सीपी इल्बर्ट क्या था और क्यों बनाया गया था, कब आया था, इतना ध्यान में रखिए। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करते हैं। सवाल आपसे पूछा गया है दैट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जस्टिस, ध्यान रखिएगा, जस्टिस न्याय, लिबर्टी यहाँ पर, इक्वालिटी और फेडरनिटी की हम बात कर रहे हैं। इन दैट ऑर्डर हैज बीन मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आपने अगर अपने एनसीईआरटी की किताब के फ्रंट पेज के ऊपर प्रीएम्बल की इमेज बहुत बार अगर ध्यान में रखी होगी, तो आपने इस शब्द बहुत बार पढ़ा होगा, जो कि काफी बोल्ड लिखा होता है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फेडरनिटी, तो काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। एक सवाल तो यहाँ से ये बनता है कि इसमें कौन सा वाला शामिल नहीं है, ठीक है। तो सोशल जस्टिस भी इसमें शामिल किया जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो इन्होंने इसका क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस आपसे पूछा है कि किस जो है कितने प्रकार का है और किस प्रस्ताव में इसको रखा गया है भारत का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है, 3-5-2-1 की यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि प्रियम्बल में, जैसे कि मैंने कहा कि हम यहाँ पर सोवनिटी, सोशल, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो है कंट्री की बात करते हैं हिंदुस्तान के बारे में, तो जस्टिस किसके बारे में बात करता है, न्याय किसको मिलना चाहिए, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से। लिबर्टी की बात की जा रही है, आजादी किसकी हो, हमें अपने विचारों को एक्सप्रेस करने का, विचारों को रखने का, वर्शिप करने का और अपने विश्वास को जताने का। इक्वालिटी किसके लिए जताई जा रही है, जहां पर हम प्रमोट करते हैं बराबरी की अधिकारों को। और फेटर्निटी की जब हम बात करते हैं, तो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी नेशन की यहाँ पर बात की जा रही है, जहां पर हम एक राष्ट्र की बात करते हैं। आपको ध्यान में होना चाहिए कि जो 26 हमारा जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये 26 नवंबर 1949 को यहाँ पर अडॉप्ट किया गया था, जो कि आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे, इसका जो राइट ऑप्शन है, जिनको डाउट है, ए सही है इसका, 3-5-2-1, आप देख भी पा रहे होंगे, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वेटी, फ्रेटर्निटी, 3-5-2-1, ठीक है। आपसे पूछा गया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किसके द्वारा डिस्कवर किए गए थे, किसने खोजा था यहाँ पर 1897 में, बाय होम, ठीक है। तो निकोलस टेस्ला है यहाँ पर, आइजेक न्यूटन है, एडिसन है या थॉमसन है, तो देख लेते हैं यहाँ पर डिस्कवरी ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है, पहले वो देखते हैं क्या। और इसका जो राइट ऑप्शन है, थॉमसन ने इसको डिस्कवर किया था, जे जे थॉमसन के नाम से उनको जाना जाता है, 1897 में,
इन्होंने ढूंढ निकाला था इलेक्ट्रॉन्स को, और ध्यान में रखिएगा कि साइंस से जुड़ा हुआ सवाल आपका पूछा गया है। तो जे जे थॉमसन ने सबसे पहले कैथोड रे को यहाँ पर एक ट्यूब में जो है एक प्रेसेंस के तौर पर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को डाला था। इलेक्ट्रॉन्स आप सबको पता है कि पॉजिटिव और साथ में हाई वोल्टेज के द्वारा ही हम चेक कर सकते हैं, ये आप देख पा रहे होंगे, जहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों जो हैं धाराओं को चेक करने का एक प्लेट होता है, जहाँ से आप इलेक्ट्रॉन्स को देख पाते हैं, मतलब कि ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से। और जो कैथोड रेज होते हैं वो ट्यूब के अंदर से पास करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसे, ठीक है। जैसे अगर मैं एक सिंपल सा उदाहरण दूं, तो आपने बैटरी में सेल्स देखे होंगे, तो सेल्स की तरफ एक पॉजिटिव भी होता है और एक नेगेटिव भी होता है, तो कहीं ना कहीं वो इलेक्ट्रॉन्स को इस तरीके से ही जो है पास ऑन करने का काम यहाँ पर करता है। बहुत अधिक लो प्रेशर में भी ये काम करता है, जो कि आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 72 को देखेंगे, जो कि बेसिकली आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ अ साउंड। तो ये सवाल जब हमने लास्ट वाला सेट किया था, इससे पहले का जो हमारा जीके का सेट था, साउंड से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन हमने तब भी डिस्कस किया था, और साउंड से जुड़ा हुआ एक काफ़ी ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है, जो कि आप हमेशा ध्यान में रखेंगे, जो कि बहुत बार अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। तो जाहिर सी बात है कि साउंड की जो इंटेंसिटी ऑफ एसआई यूनिट होती है वो होती है डेसिबल, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। हर्ट्स नहीं होती है, टेस्ला नहीं है, न्यूटन भी नहीं है, ठीक है। न्यूटन जो है एक लॉ है, टेस्ला जो है मैग्नेटिक से जुड़ा हुआ है, और हर्ट्ज जो है वो कहीं ना कहीं एक अलग जो है इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो डेसिमल बिल्कुल सही हो जाएगा, ए यहाँ पर कंप्लीटली राइट ऑप्शन है, जो कि आप देख पा रहे हैं। तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, जो कि डेसिबल्स है, यहाँ पर आप देख भी पा रहे हैं कि द लाउडनेस ऑफ अ साउंड इज मच मोर क्लोजली रिलेटेड टू द जो उसका लॉगरिथम होता है, इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा बढ़ती चली जाती है उतनी ही ज़्यादा डेसिबल जो है साउंड आपका बढ़ता चला जाता है। उदाहरण के तौर पर जैसे कई बार आप लोग फ़ोन में या अपने लैपटॉप में कहीं पर भी जब म्यूजिक सुनते हैं, तो एक पॉइंट के बाद आपको वहाँ पर जो है इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, चेतावनी दी जाती है कि इससे ज़्यादा आपके लिए साउंड को सुनना खतरनाक हो सकता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि वहाँ पर जो इंटेंसिटी ऑफ साउंड होता है उस चीज़ का काफ़ी हद तक ध्यान रखा जाता है, जो कि साउंड भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पर, जो कि आप ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 73 की मैं यहाँ पर बात करूंगी, जो बताता है कि द स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यू टू हूम, जो आकाश नीला है वो दिखाई देता है किसके कारण से। तो रिफ्लेक्शन है लाइट में, इसकी वजह से डिस्पर्जन होता है, यानी कि जो लाइट है वो काफ़ी जो है फैली हुई दिखती है, या यहाँ पर जो है स्कैटरिंग बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी कि प्रकाश का प्रकीर्ण जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा तेज होता है, या प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। यहाँ पर रिफ्रैक्शन प्रकाश का अपवर्तन है, ध्यान रखिएगा, और रिफ्लेक्शन क्या है, जब कोई चीज़ रिफ्लेक्ट कर जाती है, जैसे मिरर का हम बात करें तो दिस इज़ अ रिफ्लेक्शन, परछाई, ये रिफ्लेक्शन है, तो प्रकाश का परावर्तन। तो देख लेते हैं ड्यू टू स्काई किसकी वजह से होता है, तो सी की वजह से होता है, स्कैटरिंग की वजह से होता है, कि यहाँ पर जितनी ज़्यादा आपकी जो किरणें हैं वो तेज होंगी, यहाँ पर जैसे कि आप देख भी पा रहे होंगे, यहाँ पर इमेज में काफ़ी क्लियर होगा कि यहाँ पर सूर्य से यहाँ पर व्हाइट लाइट डायरेक्टली आती है सन से, ठीक है, उसके बाद आते आते ब्लू स्काई में, और उसके बाद यहाँ पर मल्टीपल जो उसकी किरणें होती हैं वो फैल जाती हैं, ठीक है, और ब्लू लाइट यहाँ पर रिमूव हो जाती है एडिशनल टू स्कैटरिंग, और बाकी जो उसकी व्हाइट किरणें होती हैं वो केवल रह जाती हैं यहाँ पर, जैसे कि आप इसका भी उदाहरण यहाँ पर देख पाएंगे। यहाँ पर अर्थ है, ठीक है, ये हमारा एटमॉस्फेयर है बिल्कुल, और ये जो आप देख पा रहे हैं ये यहाँ से निकलती हुई लाइट है, तो ज़रूरी नहीं है कि जो लाइट आपको निकलती दिखती है वो ट्रांसपेरेंट दिखेगी हमेशा। जैसे अर्ली मॉर्निंग आपने सूर्य को निकलते हुए देखा होगा तो बिल्कुल रेडिश होता है, शाम को डूबते हुए उसका कलर कुछ और होता है, दोपहर में एक बहुत ही अनदर फॉर्म में होता है। तो व्हाइट ऑल कलर्स जो होते हैं ये आप ध्यान में रखेंगे, डायरेक्ट जो होता है सनलाइट जब जाती है वहां पर तो लाइट येलो में यहाँ पर कन्वर्ट हो जाती है, इसलिए कभी भी शाम के टाइम में या फिर बारिश होने के तुरंत बाद जब सूरज निकलता है तो हल्की पीली लाइट आपको नजर आती है। और ब्लू लाइट यहाँ पर क्या करती है, जो ब्लू लाइट यहाँ पर आती है, ब्लू लाइट स्कैटरिंग होकर के अलग अलग जो है गैस मॉलिक्यूल्स पर एटम्स में कन्वर्ट होती हुई आपको दिखेगी यहाँ पर, तो यहाँ से लाल रंग से निकलेगी और स्कैटर होकर के फैल करके, ठीक है, स्कैटरिंग को समझिए जैसे आप किसी जमीन के ऊपर छींटे पड़ते हैं पानी के, बिल्कुल उसी तरीके से सूर्य की किरणें भी अलग अलग फॉर्म में जा करके कन्वर्ट हो जाती हैं, एक अलग शेप यहाँ पर अडॉप्ट कर लेती हैं।
क्वेश्चन नंबर 74 जो बाणभट्ट से पूछा गया हिस्ट्री का ही क्वेश्चन है, वास्को कोट पोइटो विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन किंग्स, तो हर्षवर्धन का है, चंद्रगुप्त का है, पुलकेशिन टू का है, या यशोवर्मन का है। तो बिल्कुल आप ध्यान में रखेंगे कि हम बाणभट्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। और बाणभट्ट ने यहाँ पर हर्ष हर्ष के बारे में और हर्ष के हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव्स के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में काफी कुछ लिखा है। पुलकेशिन टू नहीं है, चंद्रगुप्त टू भी नहीं है, यशोवर्मन भी नहीं है, तो हर्षवर्धन के कोट पॉइंट थे, ये आपको ध्यान में रखना है। बाणभट्ट की यहाँ पर बात की जा रही है। जरा मुझे कमेंट करके बताइए कि हर्षवर्धन ने भी एक किताब लिखी थी और बाणभट्ट की का भी एक किताब था, ठीक है। उन दोनों के बारे में जरा बताइए क्या था, क्या क्या नाम थे किताबों के। बहुत बार ये सवाल डायरेक्टली भी पूछा जाता है। हर्षवर्धन जो बेसिकली यहाँ पर आप कंप्लीट एक एम्पायर का यहाँ पर इमेज देख पा रहे होंगे, ये हिंदुस्तान का इमेज है, ये कम्प्लीटली ये नॉर्थ वेस्ट इमेज है जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ठीक है। एम्पायर ऑफ किंग हर्ष है यहाँ पर, और यहाँ पर फाहियान ने जो अलग अलग रूट्स यहाँ पर डेवलप की थी, फाहियान जो है हर्षवर्धन के टाइम में आने वाले यहाँ पर एक चाइनीज ट्रेवलर थे, ठीक है। ये जो ब्लू कलर की आपको नजर आ रही है एरोलाइंस, यहाँ पर फाहियान के आने जाने के रास्ते डिनोट किए गए हैं जो कि आप देख पा रहे हैं, ओके। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, हर्ष का पीरियड आप देख पा रहे होंगे कि जितना भी ये आपको ऑरेंजिश पार्ट नजर आ रहा है, पूरा का पूरा हर्ष का ही पूरी तरीके से एक राजपाट था। कन्नौज हमेशा से उसकी एक फेवरेट कैपिटल रही। और एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखिएगा कि हर्ष शुरू में शैव भक्त था, यानी भगवान शिव का भक्त था, और बाद में उसने यहाँ पर बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया था, ठीक है, जो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। और हर्ष की एक इम्पॉर्टेंट किताब भी है, और इसके अलावा जो उसका कोट पॉइंट था बाणभट्ट, उसने भी काफी इम्पोर्टेंट बुक लिखी है जिसका कि नाम मैंने आपसे पूछा है अभी अभी। ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, सवाल यहाँ से पूछा जाता है आपसे। क्वेश्चन नंबर 75 को देखेंगे, कह रहे हैं कि हु इज नॉन एज द फादर ऑफ द इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। साइंस का एक क्वेश्चन है आपका, विक्रम साराभाई, सीवी रमन, ठीक है। यहाँ पर सी ऑप्शन जो है आपका, इनको दो नामों से जाना जाता है, सिर्फ हम भाभा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। मुझे कमेंट करके बताइए कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ पर एस्टेब्लिश है, ठीक है, बहुत बार आपने सुना होगा। तो इनको हम जानते हैं होमी जहांगीर भाभा के नाम से, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। इनका पूरा नाम है और एपीजे अब्दुल कलाम, फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्रामिंग की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो पहले हम जान लेते हैं कि होमी जहांगीर बाबा भाभा थे कौन, और मैं बता दूं कि इनको इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, न्यूक्लियर जो है यहाँ पर फिजिस्ट के तौर पर जाना जाता रहा है, जिन्होंने कि कम्प्लीटली फाउंड किया था, डायरेक्ट किया था, प्रोफेसर भी रही है फिजिक्स के, जो कि टाटा इंस्टीट्यूशन ऑफ फंडामेंटल रिसर्च एंड ट्रॉम्बॉय अटोमिक एनर्जी के साथ जुड़े हुए हैं, जिसको कि इन शॉर्ट यहाँ पर जो है TIFRTAE के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, जिसको कि आप टिफर भी कह सकते हैं, टिफर के फॉर्म में भी जाना जाता है। आजकल टिफर के नाम से भी अलग अलग इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज एस्टेब्लिश हैं। इसके बाद इन्होंने अपनी डिग्री को जो है कंप्लीट किया था मैथमेटिकल स्टडीज में, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ करके आए थे, डॉक्टरल की डिग्री इन्होंने न्यूक्लियर फिजिक्स में हासिल की थी। और इनका जो दृष्टिकोण था, विजन की जब हम बात करते हैं कि क्या ये हिंदुस्तान के लिए करना चाहते थे, तो इन्होंने 3 स्टेजेस में न्यूक्लियर प्रोग्राम को यहाँ पर जो है एक जनक के तौर पर एस्टेब्लिश किया। और इन इनका पूरा इस तरीके से एक विजन था कि चाहते थे कि ही वॉज क्लियर एंड वॉन्टिंग टू स्टडी न्यूक्लियर फिजिक्स इंस्टेड ऑफ इंजीनियरिंग। हालांकि वो बाद में इंजीनियर बने, लेकिन उनका शुरू से बस यही एक ख्वाब था कि वो पूरी तरीके से स्टडी करना चाहते थे न्यूक्लियर फिजिक्स को और बाकी चीजों को भी। तो होमी भाभा 30 अक्टूबर 1909 से 1966 तक इन्होंने अपना कार्यभार संभाला था। आगे बढ़ते हैं, फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के नाम से इनको जाना जाता है, ठीक है। और ये 30 अक्टूबर 1909 में पैदा हुए थे। एस्टेब्लिश किया था इन्होंने टिफर को जो है टाटा इंस्टीट्यूशन ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, कब किया था, 1945 में। 1945 से याद रखिएगा कि यहाँ पर वर्ल्ड वॉर टू भी जो अपनी समाप्ति पर जा चुका था ऑलमोस्ट, और एटॉमिक एनर्जी कमीशन भी इन्होंने एस्टेब्लिश किया था 1948 में, इम्पोर्टेंट रहेगा। 1948 की बात हो रही है तो आप राधा कृष्ण कमीशन को नहीं भूल सकते, ध्यान में रखिएगा। राधा कृष्ण कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, हिंदुस्तान के पहले यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट और दूसरे प्रेसिडेंट के तौर पर गिने जाते रहे हैं। ग्रेजुएट हुई कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, और इन्होंने ग्रेटेस्ट फिजिशियन के तौर पर काम किया, माफ कीजिएगा, फिजिस्ट के तौर पर काम किया, और काफी हद तक जो इनके काम को रिकॉग्नाइज भी किया गया, बाद में पेट्रॉन भी किया गया, और पद्म भूषण से इनको नवाजा गया 1954 में, ठीक है, ध्यान में रखिएगा।
आगे बढ़ते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 76 को देख लेते हैं। 76 पूछा गया है, 124 अमेंडमेंट के तौर पर बिल आपसे 2019 का, कह रहे हैं कि डील किससे करता है, जो 124वां अमेंडमेंट बिल आपका आया था 2019 में, ट्रिपल तलाक के साथ, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन ऑफ एयर इंडिया के साथ, जीएसटी के साथ, इकोनॉमिक रिजर्वेशन के साथ। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये जो आपका डी ऑप्शन है, यहाँ पर इकोनॉमिक रिजर्वेशन की जो हम बात करते हैं उसके साथ जुड़ा हुआ है। जैसे कि आप सबको ध्यान में होगा कि जो ईडब्ल्यूएस काफी जो है चर्चा का विषय रहा 2019 में, जबकि जिसमें कि जनरल कैटेगरी में भी काउंट होने वाले लोगों के बीच में कैटेगरी यहाँ पर बनाई गई कि ऐसे जनरल कैटेगरी के लोग, यू आर अनरिजर्व कैटेगरी के लोग जो कि आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनको भी नौकरियों में और गवर्नमेंट जॉब्स में भी रिजर्वेशन देने का दौर शुरू किया गया। तो 124वें अमेंडमेंट में काउंट किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77 जो आपसे पूछा गया है कि विच कमिटी वॉज अपॉइंटेड टू गिव अ डिटेल्ड रिपोर्ट टू द नॉन परफॉर्मिंग असेट्स ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ठीक है। हम यहाँ पर पीपीपी के बारे में बात करते हैं, जो कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, तो कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है बिल्कुल इसी से, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के गैर निष्पादित परिसंपत्तियां, ठीक है, किसके जुड़ी हुई है, किस कमेटी ने यहाँ पर बनाई थी। आपने अभी हाल फिलहाल में सुना होगा कि बहुत सारे बैंक्स को आपस में मर्ज करने का काम शुरू कर दिया गया था, तो मंडल कमीशन यहाँ पर नहीं है, मंडल कमीशन का लेना देना यहाँ पर कहीं ना कहीं रिजर्वेशन कैटेगरी से है, तो इनका नाम नहीं है यहाँ पर। सुनील मेहता कमेटी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी को आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, दैट इन्होंने, सुनील मेहता कमेटी ने सबसे पहले जो है कमेटी सजेस्ट की थी रेजोल्यूशन के तौर पर, और इन्होंने कहा कि सिंगल बैंक कंट्रोल करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी कि छोटे छोटे बैंकों को मिला करके, प्राइवेट या गवर्नमेंट बैंक्स को मिला करके एक गवर्नमेंट बना देना चाहिए, इन सभी गवर्नमेंट का एक ही जो है कंप्लीट कंट्रोल उनके हाथ में होना चाहिए। और इन्होंने ये भी कहा कि जो भी ऋण होगा, यानी कि 50 करोड़ से लेकर के 500 करोड़ रुपए के लिए, जो समिति बैंक नेतृत्व तो यहाँ पर समाधान दृष्टिकोण का आह्वान किया, यानी जो हम लोन लेने देने की बात करते हैं, और जिसको कि अगर कोई भी ऐसी समस्या लोन से जुड़ी हुई होती है तो उसको 180 दिन के अंदर अंदर निपटाने की बात कही गई है, यानी कि 180 दिन के अंदर अंदर हर चीज़ को निपटा करके, रेजोल्यूट करके, एक नए जो है कार्यक्रम को शुरू करने की बात की गई है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, सुनील मेहता कमेटी की यहाँ पर बात की जा रही है। 78 क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू सेंसिस 2011 के हिसाब से कौन सा ऐसा स्टेट है जो हाईली डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन में है, वेस्ट बंगाल है, बिहार है। ध्यान रखिएगा हाईली पॉपुलेटेड और हाईली डेंसिटी पॉपुलेटेड में अंतर होता है, तो वेस्ट बंगाल है, बिहार है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश है। आप सबको पता होना चाहिए कि 2023 में हिंदुस्तान पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री में काउंट किया जाता है। वैसे अगर जो है देखा जाए कि जनसंख्या के तौर पर गोवा जो है न सिर्फ क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा छोटा माना जाता रहा है, बल्कि अगर यहाँ पर हाईली डेंसिटी की अगर बात की जाती है तो बिहार यहाँ पर कंप्लीटली राइट ऑप्शन है आपका। तो 10 करोड़ के आसपास यहाँ पर डेंसिटी पॉपुलेशन काउंट की जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, ये आप देख पा रहे होंगे, बी यहाँ का राइट आंसर है। 79 क्वेश्चन जो इन्होंने पूछा है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, पिछले सेट में भी हमने यहाँ पर बात की थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल में, जिसका कि मैंने आपसे दादा भाई नौरोजी की किताब के बारे में सवाल पूछा था, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने पूछा कि किताब किसके द्वारा लिखी गई है, तो दादा भाई नौरोजी यहाँ पर कंप्लीटली करेक्ट ऑप्शन है, जो कि पॉवर्टी एंड रूल पुस्तक लिखी गई है इनके द्वारा। बेसिकली इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ के ऊपर काम किया था, धन निष्कासन के ऊपर। इनका ये मानना था कि ब्रिटिश एम्पायर के हिंदुस्तान में रहने से हिंदुस्तान की जो भी तरक्की है, इकोनॉमी है, पैसा है, वो पूरी तरीके से निष्कासन होकर के, ड्रेन होकर के दूसरे देशों से, मेरा मतलब है इंग्लैंड में जा करके खपत की जा रही है, जिससे कि ब्रिटिशर्स पूरी तरीके से हिंदुस्तान को जो है पॉवर्टी के लाइन पर ला करके खड़ा कर देंगे, गरीबी उन्मूलन देश बरकरार कर देंगे। तो दादा भाई नौरोजी को यहाँ पर ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है, अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया भी इनको काउंट किया जाता है, इंडियन पॉलिटिकल लीडर भी रहे ये, एक व्यापारी रहे, एक स्कॉलर रहे, राइटर तो रहे ही, जिन्होंने बाद में 2nd, 9th और 22nd प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के तौर पर कार्यभार संभाला। और नेशनल कांग्रेस में भी आप सबको यहाँ पता होगा कि आईएनसी, नेशनल कांग्रेस की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, जिसकी नींव ओ यू ह्यूम ने रखी थी, और बाद में जो है 1886 से 87 और 1893 से 1894 और 1906 से 1907 के बीच में, ये है कांग्रेस के
जो है अध्यक्ष के तौर पर जो है काउंट किए गए, जो कि एक बहुत ही टाइम अच्छा टाइम पीरियड था। और कह सकते हैं कि 6 से 7 का जो ये टाइम पीरियड था, जिसमें न सिर्फ मुस्लिम लीग बनती है आपको बाद में नजर आती है, और बल्कि इसके साथ साथ कांग्रेस और साथ में मॉडरेट्स और रेडिकल्स के बीच में, यानी कांग्रेस और जो एंटी कांग्रेस पार्टी है उनके बीच में मतभेद बनते नजर आए थे, जिसको कि बखूबी दादा भाई नौरोजी ने हैंडल किया था। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 80 के बारे में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये बड़ा ही ज्योग्राफी का फेमस क्वेश्चन है, घुमा फिरा के सवाल यहाँ से पूछा ही जाता है। कह रहे हैं कि 8 इंडियन स्टेट से गुजरता है, ये कौन कौन सा है, उसमें से ये कौन से वाला नहीं है। 8 स्टेट में से गुजरता है, इसमें से कौन सा 8वां एक स्टेट है यहाँ पर मेंशन नहीं है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात की जा रही है, ध्यान रखिएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वो रीजन्स है जहाँ पर कि सूर्य की किरणें बिल्कुल डायरेक्टली पड़ती हैं, पास ऑन होती हैं, और वहाँ पर गर्मी जो है बहुत ज़्यादा होती है। तो आप थोड़ा सा अंदाजा लगा पाएंगे, राजस्थान है, असम है, वेस्ट बंगाल है, छत्तीसगढ़ है। ध्यान रहे नॉट वन ऑफ देम पूछा गया है आपसे। तो यहाँ पर कहाँ कहाँ से गुजरती है पहले ये देख लेते हैं। तो गुजरती ये आप देख पा रहे होंगे, ये जो लाइन आपको नजर आ रही है, दिस इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, एकदम बीच में से गुजर रही है। ओके, और इमेजिनरी लाइन ये मानी जाती है नदरन हेमिस्फेयर के ऊपर, और 2 इक्वल पोर्शंस में ये डिवाइड करती है, नॉर्थ हेमिस्फेयर और ये आपका जो है साउथ वाला। तो यहाँ पर गुजरात है उससे गुजरती है, ठीक है, ये आप दिख रहा है आपको, राजस्थान से गुजरती है, एमपी से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, वेस्ट बंगाल से, त्रिपुरा से, मिजोरम से। माही जो है यहाँ पर जो रिवर है आपकी, क्रॉस करती है इसको 2 बार, यानी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 2 बार इसको क्रॉस करती है, पहले मध्य प्रदेश से और दूसरी बार है गुजरात से। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, माही रिवर बिल्कुल इसके पास में है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन नहीं आपको नजर आया, बी ऑप्शन नहीं था, असम नहीं था, क्योंकि असम में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं गुजरता, वहाँ पर गर्मी नहीं बरसात बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ पर बैम्बू के माफ़ कीजिएगा घर जो हमेशा बनाए जाते हैं। एक क्लोज कैप्शन आप देख पाएंगे यहाँ पर, 8 राज्यों की यहाँ पर बात हो रही है, गुजरात है यहाँ पर, ठीक है, माही की हम बात कर रहे थे यहीं पर, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा है, और यहाँ पर मिजोरम है, ठीक है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। तो इन चीजों को ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछता है कौन सा वाला है और कौन सा वाला नहीं है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ, आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड अ स्पेशल राइट्स एंड प्रिविलेज टू अ परमानेंट रेजिडेंट ऑफ अ जम्मू एंड कश्मीर। सी, जम्मू एंड कश्मीर का जो भी मसला है हम सबको पता है कि काफी ज्यादा चर्चा में रहा, 370 धारा हटाने के बाद एक डिबेटेबल इशू भी रहा, तो हम डिबेट्स के ऊपर नहीं जा रहे हैं, बस आपसे ये पूछा गया है कि क्योंकि भाई स्पेशल राइट्स की बात की जाती है, प्रिविलेज की बात की जा रही है, तो परमानेंट रेजिडेंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की अगर बात करें तो उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, जो है यहाँ पर 35A। इसके तहत इसको जो है स्पेशल स्टेट का यहाँ पर दर्जा दिया गया था, ठीक है, ये है क्या इसको देख लेते हैं, 35A है क्या। 35A यहाँ पर बेसिकली इनकॉर्पोरेटेड है यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, अलग कॉन्स्टिट्यूशन है कम्प्लीटली, और बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जे एंड के कम इन टू द एग्जिस्टेंस इन 1956। और ये आर्टिकल अलाउ करता है यहाँ पर जे एंड के को ग्रांट देने का, स्पेशल प्रिविलेजेस का, राइट टू परमानेंट रेजिडेंट्स का, ठीक है। आप सबको पता है कि जम्मू एंड कश्मीर में 370 से पहले, यानी जब नहीं हटा था तो उससे पहले कोई भी व्यक्ति जाकर के वहाँ पर ज़मीन जो है परचेज नहीं कर सकता था, तो प्रॉपर्टी राइट हमारे पास नहीं था। सेवरल अदर्स होम टू हैव अ जेन्युइन क्लेम्स, और उसके बाद डिसबार भी किया हमने नॉन रेजिडेंट्स को जे एंड के को फ्रॉम बाइंग लैंड और अ प्रॉपर्टी, गेटिंग अ गवर्नमेंट जॉब और वोटिंग इन असेंबली इलेक्शंस इन जे एंड के, ठीक है। 82 की बात कर लेते हैं, विच रेनाउंड तबला प्लेयर्स सन इज ऑल्सो फेमस तबला प्लेयर हु हैज कोलाबरेटेड विद इंटरनेशनल ब्रांड्स। तो आप सब ने उनका नाम सुना होगा, ठीक है, बहुत बार एडवर्टीजमेंट्स में भी आपने उनका नाम देखा होगा, तो जाकिर हुसैन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जाकिर हुसैन यहाँ पर अल्लारा का कुरैशी का जन्म जो है यहाँ पर 9 मार्च को 1951 में हुआ था बॉम्बे में, और प्रसिद्ध जो है भारतीय तबला वादक के तौर पर जाने जाते हैं, और उनके उस्ताद थे अल्लाह रखा खान, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है, उन्हीं के बेटे भी थे और उनके उस्ताद भी रहे। और जाकिर ने यहाँ पर ड्रम के पार पहुँचते ही तबला बजाना शुरू कर दिया था, यानी पहले वो ड्रम बजाते थे, फिर उन्होंने धीरे धीरे तबला बजाना सीख लिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ, पुंग चोलम एक फोक डांस है यहाँ पर। आपको ध्यान में होगा कि पिछली बार जब हमने यहाँ पर डिस्कस किया था तो मैंने क्लासिकल डांस और फोक डांस के ऊपर आपको एक अलग से एक PDF प्रोवाइड करवाई थी, उसको आपको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि पुंग चोलम का भी जिक्र किया गया था। तो पुंग चोलम यहाँ पर किस फोक डांस का है,
मध्य प्रदेश, मणिपुर, केरला और कर्नाटक। तो केरला कर्नाटक में नहीं होगा, बिल्कुल जाहिर सी बात है। पुंग चोलम जो है बेसिकली मणिपुर का एक लोक नृत्य होता है। कमेंट करके मुझे बताइए कि केरला में कौन सा नृत्य किया जाता है, फोक डांस किया जाता है। पुंग चोलम है क्या? बेसिकली यहाँ पर एक शाब्दिक अर्थ है ड्रमों की गर्जना, ठीक है। ये जो ड्रम्स इनके हाथ में है, इन्हीं की बीट्स के ऊपर और एनर्जेटिक तरीके से जो है म्यूजिक के साथ इसको परफॉर्म किया जाता है। मणिपुर नृत्य की एक जो है आत्मा के तौर पर भी इसको काउंट किया जाता है। तो इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, स्टार मार्क कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 84 के बारे में बात करेंगे। सरकारिया कमीशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार घुमा फिरा के सवाल आपसे पूछा जाता है कि है क्या, किसने लागू किया, कब आया, ये सारी चीजें। तो सरकारिया कमीशन का जो रिकमेंडेशन है वो किससे रिलेटेड है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू है, पावर एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट है, मेंबरशिप ऑफ अ पार्लियामेंट है, या सेंट्रल स्टेट रिलेशंस है। तो किससे जुड़ा हुआ है सरकारिया कमीशन या आयोग आपका? तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो सेंटर स्टेट रिलेशनशिप है, यानी केंद्र और जो राज्य का रिलेशनशिप होता है कम्प्लीटली, उससे जुड़ा हुआ है ये कमीशन। 1983 में लागू किया गया था सरकारिया कमीशन। चार्टर वॉज टू एग्जामिन द सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप, जो कि दोनों के रिलेशनशिप्स को बताता है, और अलग अलग सेंटर का भी अलग पोर्टफोलियो है और यहाँ पर स्टेट का भी अलग पोर्टफोलियो है, जो कि एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क में यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशंस में जो यह अलग अलग चेंजेस के तौर पर इसको काउंट किया जाता है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, सरकारी कमीशन इज बेसिकली सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप। क्वेश्चन नंबर 85 आपसे क्या पूछा गया है, नेम द लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया कौन सा है? हमेशा हमें या तो नाइल लगता है या तो अमेजोन लगता है, बट इसका जो राइट ऑप्शन है ये है यांगत्ज़े। ठीक है, मैं दिखा देती हूँ आपको, ये जो इमेज है ये आपको यांगत्ज़े की नजर आ रही है, डी ऑप्शन सही है यहाँ पर। तो ये है यांगत्ज़े जो आप देख पा रहे हैं, ठीक है। बीजिंग, थ्री गॉर्जेस डैम है यहाँ पर, वुशन, वुहान। वुहान तो सबको भी नाम में होगा भाई, क्योंकि कोविड की शुरुआत यहीं से हुई थी, जो कि कहीं नहीं ब्लैक ईयर्स के तौर पर काउंट किए जा सकते हैं पूरी की पूरी दुनिया में, ठीक है। तो यांगत्ज़े की खास क्या बात है, यहाँ पर सबसे लंबी रिवर है ये यूरेशिया की, और थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर है दुनिया की, तीसरी एशिया की, पहली है वर्ल्ड की, तीसरी है, ठीक है। और लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड टू फ्लो एंटायरली विद इन वन कंट्री, और एक ही कंट्री में ये बहने वाली सबसे बड़ी रिवर है जो आप देख पा रहे हैं। और तिब्बत पठार के यहाँ पर तांगगुला पर्वत जो है, जो आप देख पा रहे हैं साइड्स में, ये तांगगुला पर्वत ही है, जरी पहाड़ी से निकलती है और सामान्यतः तो पूर्व दिशा में यानी ईस्ट में जाकर के गिरती है। 6300 किलोमीटर बहती हुई पूर्वी चीन सागर में पहुंचती है, जिसका इमेज मैंने अभी भी दिखाया आपको, ये आप देख पा रहे हैं यांगत्ज़े रिवर है, ठीक है, और ये जाकर के ईस्ट में गिर जाती है। जो अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ फिजिकल पॉलिसी, ठीक है, नॉट की बात की गई है। पहले आपको ये पता हो कि भाई फिजिकल फिजिकल होता क्या है, साधन क्या है, राजकोषीय साधन है क्या, तो रेवेन्यू की नीड क्यों है, फिजिकल इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता क्यों, टैक्सेशन के लिए, पब्लिक एक्सपेंडिचर के लिए, पब्लिक डेब्ट के लिए, क्रेडिट राशनिंग के लिए। तो यहाँ पर बिल्कुल जो ऑब्जेक्टिव से पहले ये जान लें कि फिजिकल यहाँ पर फुल एम्पावरमेंट, प्राइस स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए, महंगाई दर रोकने के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि हिस्सेदारी बराबर की हो, एक्सटर्नल स्टेबिलिटी यानी कि जो बाहर से फॉरेन कंट्रीज हैं उनके साथ बेहतर संबंध, कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी का जो है एक फॉर्मेशन, रीजनल बैलेंसेस की यहाँ पर बात की जा रही है, राज्य से राज्य, स्टेट टू स्टेट, उसके बाद नेशनल टू इंटरनेशनल, ठीक है, डी सही हो जाएगा आपका। टैक्सेस को इसमें काउंट किया जाता है, जो डायरेक्ट टैक्स हम लोग देते हैं, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, ठीक है, टैरिफ है, वैट है, कंजप्शन है, प्रोडक्शन है, स्पेंड कहाँ करते हैं हम, डिफेंस, लॉ, ऑर्डर, रोड्स के ऊपर, एजुकेशन, हेल्थ एंड सैनिटेशन के ऊपर। और डेब्ट कहाँ से लेते हैं, प्राइवेट सेक्टर से लेते हैं, जो कि प्राइवेट फॉर्म्स होती हैं हमारी, और सेंट्रल बैंक भी, जैसे वर्ल्ड बैंक की अगर बात करें तो ये भी एक अहम रोल यहाँ पर प्ले करता है, डी सही हो जाएगा आपका यहाँ पर। क्रेडिट राशनिंग की यहाँ पर बात की जाती है, ठीक है, जैसे क्रेडिट कार्ड होते हैं बिल्कुल वैसे ही आप इसको समझ पाएंगे। 87 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है महाराणा प्रताप सागर के बारे में, ठीक है। रिजर्वियर कह रहे हैं कि रिवर ब्यास इन हिमाचल प्रदेश इज ऑल्सो नॉन एज वॉट, ब्यास नदी पर महाराणा प्रताप सागर जलाशय जो है हिमाचल प्रदेश को डैश के नाम से जाना जाता है। तो यूकाई डैम है, तेहरी डैम है, डैम से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा आपका, ठीक है, धारियो है या पोंग डैम है, ए ऑप्शन सही है, पोंग डैम यहाँ पर बिल्कुल सही है, ठीक है। और महाराणा प्रताप सागर रिजर्वेयर जो है यहाँ पर ब्यास हिमाचल प्रदेश के में भी इसको
महाराणा प्रताप सागर डैम के अलावा पोंग डैम से नाम से इसको जाना जाता है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट हिमाचल में ये बसा हुआ है, एस्टेब्लिश है, इमेज आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 88, जो विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? आर्टिकल 43 में है, आर्टिकल 46 में है, आर्टिकल 45 में, आर्टिकल 44 में है। ठीक है, क्या पूछ रहे हैं? माफ कीजिएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड, UCC। ठीक है, पहले जान लेते हैं कि ये है क्या। देखिए, जो आपका UCC है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब हम बात करते हैं, तो प्रोवाइड करता है इक्वल स्टेटस किसको? हर एक सिटीजन को। प्रमोट करता है जनरल पैरिटी यानी इक्वालिटी को। यंग पॉपुलेशन को अकोमोडेट करता है। इंटीग्रेशन का भावना लेकर के आता है। और पर्सनल लॉज जो है उसको रिफॉर्म करता है, बाईपास पास करता है इश्यूज को। ठीक है, ये तो उसके प्रॉज हैं। अब नेगेटिव पॉइंट्स भी बहुत सारे होंगे, तो जितनी ज़्यादा आप किसी को जेंडर जो है पैरिटी देंगे या फिर यहाँ पर पार्शियलिटी नहीं करेंगे, वहाँ पर डाइवर्सिटी मुश्किल हो पाएगी। UCC यहाँ पर रिलीजियस फ्रीडम के लिए एक कहीं ना कहीं कई लोग इसका जो है गलत तरीके से फ़ायदा उठाते हैं। पर्सनल मैटर्स को लेकर के बहुत चीज़ें निकल कर UCC में आती हैं। ठीक है, टास्क टू इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल काम है, हर चीज़ के ऊपर नहीं इम्प्लीमेंट किया जा सकता। और एक मुश्किल काम है कि कौन सा ऐसा सही टाइम हम चुने कि यहाँ पर जो है कि लॉ जो है इम्प्लीमेंट कर पाए। तो UCC आपका अनुच्छेद आर्टिकल 44 में आता है, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 89 कह रहे हैं कि जो आपका देवधर ट्रॉफी है, एसोसिएट किससे है? फुटबॉल से है, गोल्फ से है, क्रिकेट से है या हॉकी से है? तो ये कट नहीं है, क्रिकेट यहाँ पर राइट ऑप्शन है। ठीक है, देवधर ट्रॉफी आपका क्रिकेट से जुड़ा हुआ है, 1973 में यहाँ पर शुरू हुआ था, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। सी ऑप्शन सही है आपका, ये नहीं है यहाँ पे। ठीक है, और इसको जो है दिनकर बलवंत देवधर के नाम से जाना जाता है, जिनके नाम पर इसका नाम रखा गया, जो रिप्रेजेंट करता है किसको? लीडिंग महाराष्ट्र रणजी ट्रॉफी, बहुत फेमस है रणजी ट्रॉफी, जिसमें कि शुरुआती क्रिकेटर्स खेलते हैं और बाद में उनको जो है फाइनल जो है क्रिकेटर के तौर पर, या फिर कहें कि बड़े बड़े जो क्रिकेटर्स आते हैं कहीं ना कहीं यहाँ से अपनी परीक्षाओं को और अपनी ट्रेनिंग्स को पास करके आते हैं। ठीक है, इतना ही ध्यान रखिए, बाकी आप नहीं भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 90 आपसे पूछा गया कि पॉपुलरली नॉन एज दक्षिण गंगा, गंगा के बारे में सब लोग जानते हैं, गंगा दक्षिण गंगा किसको बोला जाता है? तो तुंगभद्रा है, पेरियार है, कृष्णा है? नहीं, गोदावरी यहाँ पर राइट ऑप्शन है आपका, डी की, माफ कीजिए, बी की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, तुंगभद्रा नहीं है। ठीक है, और पेरियार भी नहीं है और कृष्णा भी नहीं है। तो रिवर गोदावरी ऑल्सो नॉन एज अ दक्षिण गंगा, लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है ये, सबसे बड़ी, नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड डिस्चार्ज करती है वाटर इन टू द बे ऑफ बंगाल। ठीक है, महाराष्ट्र से निकलती है और बे ऑफ बंगाल में जाकर डिस्चार्ज करती है, ये आप देख पा रहे होंगे, इसकी मैं बात कर रही थी। ये गोदावरी है, महाराष्ट्र के रीजन से निकल रही है, वेस्ट वाले पार्ट से, और ये गोदावरी जलाना, प्रमानी, नंदेन, निजामाबाद, ठीक है, यहाँ से होती हुई, इंद्रावती से होती हुई, काकीनाड़ा से होती हुई, मछलीपट्टनम में जाकर के बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। ये अरेबियन सी है, ये आपका कृष्णा है जो कि आप देख पा रहे हैं, साउथ वाला सेक्शन आपका पूरा का पूरा, और ये वेस्ट वाले पार्ट से होती हुई जाकर के ईस्ट में मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 91, जनवरी 2019 में कह रहे हैं कि पैनल वाज सेटअप बाय द RBI टू सजेस्ट मेजर्स टू स्ट्रॉन्ग देम द सेफ्टी ऑफ अ डिजिटल पेमेंट्स इकोसिस्टम इन इंडिया। तो क्या है? सुधा मूर्ति पैनल है, रघुरामन राजन पैनल है, ठीक है, यहाँ पर नंदन नीलकेड़ी पैनल है, या फिर उर्जित पटेल है, जितने भी लोगों का नाम अभी भी गिनाया है मैंने, ये हर बार RBI के गवर्नर्स रह चुके हैं कभी ना कभी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है नंदन नीलकेरी पैनल जो है, यहाँ पर नीलकणी पैनल, उनके अंडर में RBI का जो पैनल है यहाँ पर सेटअप करने का, सबसे पहली बार 2019 में डिजिटल पेमेंट्स को जो है इकोसिस्टम बनाने की बात रखी गई थी, और उनका मानना था कि इस तरीके से मीडियम टर्म स्ट्रेटेजीज को बना करके हम डिजिटल पेमेंट्स को हिंदुस्तान में और भी ज़्यादा रणनीतिक तौर पर न सिर्फ लागू कर सकते हैं, बल्कि उसका बहुत ज़्यादा जो है इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी उठाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 92, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पंचायत्स एट द इंटरमीडिएट लेवल मे नॉट बी, ध्यान रखिए, मे नॉट बी कॉन्स्टिट्यूटेड इन अ स्टेट हैविंग अ पॉपुलेशन नॉट एक्सीडिंग, पंचायत वहीं पर काम करेगी जिसकी की पॉपुलेशन 20 लाख से ज़्यादा ना हो। ठीक है, डी सही है इसका, पंचायत राज कब मनाया जाता है आपका?
24 अप्रैल को पंचायत राज मनाने का सबसे बड़ा फैसला राजस्थान से शुरू किया गया था। मुझे कमेंट करके बताइए कि किस कॉन्स्टिट्यूशन में आता है, माफ कीजिए, किस आर्टिकल में काउंट होता है ये। तो आप देख पा रहे होंगे थ्री टायर होता है सिस्टम ये, ईच स्टेट में, उसके बाद पंचायत विलेज में इंटरमीडिएट का काम करता है सेंटर पे, ठीक है, स्टेट पे, रीजनल पे, रूरल में, तो सब में जो इंटरमीडिएशन का काम करता है। और यहाँ पर 20 लाख के आसपास जिसकी पॉपुलेशन नहीं है 20 लाख से ज़्यादा, उनको यहाँ पर मौका दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 93 आपसे पूछा गया है कि जो आपका 23 डिग्री यहाँ पर नॉर्थ डिवाइड किया गया है, भारत को लगभग दो भागों में विभाजित करता है, वो कौन है। अभी अभी हम पढ़ करके निकले हैं, मकर है, भूमध्य रेखा, प्रधान माध्य यानी प्राइम मेरिडेनियन है, तो यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बिल्कुल सही है, जो आप देख पा रहे हैं डी ऑप्शन सही है। अभी अभी हमने बात भी की थी जो कि गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी से निकलती हुई जाकर के त्रिपुरा में खत्म होती है, ठीक है। तो नदरन हेमिस्फेयर स्ट्रेटल टुवर्ड द सन ऑफ द मैक्सिमम एक्सटेंट, जहाँ पर सबसे ज्यादा उसकी रेखाएं पड़ती हैं। ये वर्ल्ड का मैप आप देख पा रहे हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, तो हम कैंसर की बात कर रहे हैं जो कि काफी क्लियर है। ये तो अब मेक्सिको है, ठीक है, सहारा, अल्जीरिया, ठीक है, इजिप्ट, लिबिया, अरे सऊदी अरेबिया, ओमान, और ये रहा हिंदुस्तान, यहाँ से गुजर रही है ये, देखिए कंप्लीटली यहाँ से, ठीक है। अब इसको मैं आपको दूसरा मैप दिखाती हूँ, ये देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये रहा आपका हिंदुस्तान, ये वाला एशिया की हम बात कर रहे हैं, सदरन नदरन हेमिस्फेयर, ठीक है, यहीं से हम बात करें, गुजरात, एमपी, यहाँ से गुजरती हुई जाती है राजस्थान से। ओके, मैं आपको इसका एक जो है एक इमेज में आपको और दिखा दूं, जस्ट अ मिनट, सी ऑल द स्लाइड्स, 64 हम कर रहे हैं, मैं आपको दिखा दूं जो स्लाइड की मैं बात कर रही थी, इस स्लाइड की मैं बात कर रही थी, ठीक है। यहाँ पे भी क्लियर है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है, ये है इसका जो है इंडियन मैप हमने डिस्कस किया, तो मिजोरम में जाकर के खत्म होती है। अब मैं अगर चलूँ आपको स्लाइड नंबर 64 पे लेकर के, तो 64 पे आप यहाँ पर वर्ल्ड मैप भी देख पाएंगे, 64, दिस इज 64, ठीक है, इसकी मैं बात कर रही थी। 94 को देख लेते हैं, हु वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, कौन था, यानी हिंदू आजाद हिंदुस्तान के सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, बिजन मुखर्जी, ए आर सरकार, ठीक है, हरिलाल कानिया, या फिर यहाँ पर वाई सी चंद्रचूड़ की यहाँ पर बात की जा रही है, तो हरिलाल कानिया की यहाँ पर बात होगी, बिल्कुल सी ऑप्शन सही है, चीफ जस्टिस थे आजाद हिंदुस्तान के, 3 नवंबर 1890, ठीक है, उनका पूरा नाम था हरिलाल जे जेकी सुंदास कानिया, हरिलाल जेकी सुंदास कानिया, 6 नवंबर 1951 तक जो है अपनी चीरकाल आयु तक रहे वो, और पहले चीफ जस्टिस के तौर पर काउंट किए गए। 50 से लेकर के 51 यानी एक साल तक हिंदुस्तान आजाद हिंदुस्तान में इन्होंने अपनी जो है सर्विस को दिया, और 51 में उनकी डेथ हो गई थी। डी सही था, नहीं एक सेकेंड, यहाँ पर डी नहीं है, यहाँ सी आएगा। ओहो, इनोवेशन कह रहे हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ यूजिंग सनशाइन टू कीप हाउस वार्म इन फ्रीजिंग विंटर्स इज कॉल्ड, घरों को गर्म रखने के लिए धूप का उपयोग करने के लिए अभिनव अवधारणा क्या है, जब हम सर्दियों में घरों को गर्म रखने की कोशिश करते हैं, या फिर हम जो है ऐसे जगहों पर जब जाते हैं जहाँ पर पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पर घरों को गर्म रखा जाता है, बिल्कुल वैसे बर्फीली सर्दियों में उन्हें क्या कहा जाता है, ठीक है, लेटेंट कंडक्टिव रेडिएशन या पैसिव सोलर, तो रेडिएशन हीटिंग की वजह से, रेडिएशन जितने ज़्यादा निकलेंगे उतने ज़्यादा जो है बर्फीले इलाकों में बड़ी आसानी से उसको घरों को गर्म किया जा सकता है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं रेडिएशंस का, ये कन्वेक्शन है, ये कंडक्शन है, तो रेडिएशन करता का एक मेथड है हीट का जो ट्रांसफर करता है, यहाँ पर एक विधि को जो ऊष्मा स्रोत को गर्म वस्तु के बीच किसी भी संपर्क पर निर्भर नहीं करती है, यह सूर्य के संपर्क में आने से रहने वाले स्थानों को गर्म करने और ठंडा करने के लिए सूर्य की ऊर्जा के उपयोग को संदर्भित करता है, यानी यही रेडिएशन घरों को गर्म भी करेगा, यही रेडिएशन घरों को ठंडा भी करेगा, ये आप देख पा रहे हैं, ये समर का है आपका, हीट रिलीज कर रहा है यही रेडिएशन आपका, ठीक है। जैसे आपको ध्यान में होगा जैसे जैसे धूप बढ़ती चली जाती है
बिल्कुल वैसे ही आपका जो ऊपरी जो कमरे होते हैं, जो थर्ड फ्लोर पे लोग रहते हैं, उनका जो छतें हैं और गर्म होते चली जाती, क्योंकि वो हीट रिलीज करता है उस टाइम पर। हीट जब स्टोर करेगा तो बिल्कुल विंटर में ये हीट स्टोर करने का तरीका, और एयर रात होते होते ये रिलीज करने लग जाता है, और हीट जो है रिलीज करता है, ये दिन के टाइम में रिलीज करता है, हीट डाल रहा है, और जैसे जैसे रात होती है हीट को ये रिमूव करना शुरू कर देता है। उल्टा है, यहाँ पर रिलीज कर रहा है, यहाँ पर कंप्लीटली रिमूव कर रहा है। समझ में ठीक है। आगे हम बात करेंगे यहाँ पर नेपा नागरी मध्य प्रदेश इज नॉन वॉट, स्टील मिल्स हैं, पोटरी है, शुगर है, या फिर यहाँ पर न्यू स्प्रिंग फैक्ट्री है। तो नेफा नागर यहाँ पर न्यू स्प्रिंग फैक्ट्री के तौर पर काउंट किया जाएगा। डी ऑप्शन सही है। एमपी में ये आप देख पा रहे हैं, स्प्रिंग्स बनाने के फैक्ट्री को नेफा सागर के नाम से बोला जाता है, नगर के नाम से, ठीक है, नेफा नगर। 97, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथन की हमने बात कर ली थी अभी अभी, कि चुंबकीय क्षेत्र शक्ति की इकाई क्या है, तो टेस्ला होती है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। करेक्ट ऑप्शन क्या है, टेस्ला यूनिट जो है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ाने का काम करती है। क्वेश्चन नंबर 98 ही बड़ा फेमस क्वेश्चन है चिपको मूवमेंट का, ईबीएस का समझ लें, जियोग्राफी का समझ लें, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए नहीं था, ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक लाइफ नहीं था, ठीक है, फेलिंग ऑफ ट्रीज के लिए था, या सीएफोरेस्टेशन के लिए था, तो बिल्कुल आप जान पाएंगे। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी था आपका, अफोरेस्टेशन, या जंगलों की जो कटाई की जा रही थी उसको रोकने के लिए था, ठीक है, पेड़ों को गिरने के लिए बचाने के लिए था, ना कि गिरने के लिए था, तो सी ऑप्शन आपका सही है। यहाँ पर चिपको आंदोलन जो है बेसिकली 1973 में शुरू हुआ, ठीक है, चंडी प्रसाद भट्ट जी द्वारा शुरू किया गया था दसौली ग्राम में, ठीक है, और स्वराज्य संघ ने इसको सबसे पहली बार लीड किया इस मूवमेंट को, मंडल विलेज के अंदर, या मंडाल विलेज के अंदर, ध्यान में रखेंगे। वेन द गवर्नमेंट वुड नॉट एंटरटेन देयर प्लीज, उनकी जो रखी गई जो पूरी तरीके से प्लीज थी, जो उनकी एप्लीकेशन थी, उसको जब उन्होंने नहीं माना, तो बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुप्स ने मिल करके पेड़ों के साथ चिपकना शुरू कर दिया, जिसको कि चिपको आंदोलन मूवमेंट का नाम दिया गया, जिसका कि अवधारणा थी कि जंगलों को नहीं काटे जाने की, क्योंकि कहीं ना कहीं इन सारे के सारे जितने भी लोग थे जो ट्राइबल एरियाज में रह रहे थे, उनका जो जल जीवन सब कुछ था, संभव था, वो पेड़ों से ही संभव था। तो सी ऑप्शन आपका सही था। सवाल यहाँ से आता है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 99, द काउंसिल ऑफ स्टेट्स हैज एक्सक्लूसिव पावर इन रिलेशन टू विच ऑफ द फॉलोइंग, कह रहे हैं कि टू इनिशिएट प्रोसीडिंग द रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, कह रहे हैं कि जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स है आपकी, ठीक है, उनका काम क्या है, पावर कैसे आती है, रिमूव कर पाते हैं वो प्रेसिडेंट को, रिमूव कर पाते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज को, रिमूव कर पाते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज जो भी कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, बना रहे हैं, या कोई सा भी नहीं है। तो काउंसिल ऑफ स्टेट की जब हम बात करते हैं यहाँ पर, सबसे पहले तो सी सही है आपका, कि आप रिकमेंड करते हैं क्रिएशन ऑफ अ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज को बनाने की, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो पहले ये जान लें कि यहाँ पर है क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और कंकर्ड लिस्ट में क्या आता है, सवाल यहाँ से बनता है आपका। जैसे पूछ लेंगे कि मैरिज, एजुकेशन और अडॉप्शन ये किस में आता है, का तो कंकरेंट में आता है। कंकरेंट का मतलब होता है कि जो सेंटर में भी आता है, जो स्टेट में भी आता है। जैसे मान लो अब इन्होंने एजुकेशन की बात की है, आप सबको ध्यान में होगा कि जैसे बीटीसी बनाम बीएड का मसला अभी अभी चला है, तो वो सेंटर स्टेट दोनों पे लागू हुआ है, ठीक है, एनईपी 2020 स्टेट सेंटर दोनों पे लागू हुआ है। तो स्टेट यहाँ पर पॉलिसी, ट्रेड और एग्रीकल्चर, इरिगेशन के अलग से काम करता है, लेकिन कंकरेंट दोनों में लागू होता है। स्टेट जिसके ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल है, जैसे टैक्सेस है, हमने फिजिकल डेफिसिट की बात की, बैंकिंग है, आरबीआई के बारे में डिस्कस किया, ठीक है, करेंसी है, फॉरेन अफेयर्स है, कम्युनिकेशन है। पावर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा क्या है, जान लीजिए, इंपॉर्टेंट है, सवाल आता है यहाँ से। तो लोकसभा क्या है, लोगों के द्वारा बनाई जा रही है, और राज्यसभा क्या है, लोगों के द्वारा इनडायरेक्ट रूप में चुने गए, लोगों के द्वारा बनाई जा रही है, इनडायरेक्ट, ध्यान रखिएगा, अप्रत्यक्ष रूप से। तो लोकसभा में क्या है, मेक लॉ ऑन मैटर इंक्लूड यूनियन लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, ठीक है, यूनियन में भी और कंकरेंट में भी, मनी के ऊपर, नॉन मनी बिल्स के ऊपर कहाँ बनती है, लोकसभा। कई बार सवाल पूछ लेगा कि जो मनी बिल्स है कहाँ बनती है, तो लोकसभा में बनती है। यहाँ पर सजेस्ट होता है और अमेंड होता है मनी बिल, ठीक है, ये बनाती है बट ये पास करती है। अप्रूवल कौन देगा टैक्सेशन बजट का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, लोकसभा। एग्जीक्यूटिव इंट्रोडक्शन मोशंस और रेजोल्यूशन कौन देगा, राज्यसभा। कंट्रोल कौन करेगा, एग्जीक्यूटिव को, सवाल कौन पूछेगा, रेजोल्यूशन कौन पास करेगा, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन कौन लेकर के आएगा, लोकसभा। बट पार्टिसिपेशन कौन इंश्योर करेगा, और किस किस की, यहाँ पर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, और रिमूवल की जब हम बात करते हैं तो कौन कर सकता है,
इलेक्शन भी वही करते हैं, रिमूवल भी राज्यसभा करता है, प्रेसिडेंट का भी, वाइस प्रेसिडेंट का भी, जजों का भी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का भी, और इनिशिएट भी लेते हैं वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने का भी। साथ में यहाँ पर इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट को और वाइस प्रेसिडेंट को, रिमूव कर सकते हैं यहाँ पर जजेस एंड सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट को, और यहाँ पर एस्टेब्लिश करते हैं कमेटी एंड कमीशंस को, और यहाँ पर जो यूनियन पार्लियामेंट हाउस है आपका, उनके मैटर्स को सॉर्ट आउट किया जाता है स्टेट लिस्ट में, जितनी भी चीजें इन्वॉल्व रहती हैं। ओके, तो क्वेश्चन 99 हमारे हो गए, क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में बात करेंगे। सवाल आपसे पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर रही हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन का ये सवाल है, पॉलिटिकल साइंस का सवाल आता है। कह रहे हैं कि जिस संविधान संशोधन अधिनियम में 2002 में निःशुल्क प्रदान किया गया था, क्या शिक्षा, यानी कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर राइट टू एजुकेशन के बारे में, एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसमें हमने कहा कि 1 से 8वीं क्लास तक, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को जो है शिक्षा फ्री दी जाएगी। राइट टू एजुकेशन के ऊपर अलग से भी वीडियो मेरी बनी हुई है, तो उसको आप देखिए, इंपॉर्टेंट है एजुकेशनल करंट अफेयर्स के हिसाब से। तो ये अमेंडमेंट कौन सा है कॉन्स्टिट्यूशन का, 84, 85, 86, 87, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप इसका जवाब क्या है। बधाई के पात्र होंगे सारे विद्यार्थी जो कि जवाब देने का बिल्कुल यहाँ पर समय निकालेंगे, ये सवाल और क्लासेस केवल आपके लिए हैं। अगली क्लास में मिलेंगे कुछ और नए और मज़ेदार सवालों के साथ। जितना भी क्वेश्चंस अब तक करवा चुकी हूँ सबकी PDF आपको बीट द कॉम्पिटिशन टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। यूट्यूब के ऊपर जाकर के आप बाकी क्लासेस को देख सकते हैं 1.5x पे कर करके, बेटर विजिबिलिटी और अपने टाइम की बचत के लिए। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सवाल डाउट ऑलवेज वेलकम है, कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, कोई सजेशन है तो आप दे सकते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में कुछ नए सवालों के साथ, अब तक बने रहिए बीट द कॉम्पिटिशन के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी।